आज हमने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कृषि मंत्री जेपी दलाल का विरोध स्वरूप यहाँ पुतला जलाया है, क्योंकि कृषि मंत्री ने लीलस गांव में जनता को संबोधित करते हुए किसानों के बारे में अभद्र टिप्पणियां की हैं। उनको बहुरुपिया, शराबी, चंदाखोर और जो है देशद्रोही बताया है। हम ये कहना चाहते हैं कि कृषि मंत्री को इस तरह के शब्द शोभा नहीं देते। उन्होंने कृषि मंत्री के पद की गरिमा को भारी ठेस पहुंचाई है, इसलिए हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो इसके लिए माफी मांगे, अन्यथा ये गांव गांव में विरोध जाएगा उनका और आने वाले टाइम में उनको यहाँ घुसने भी नहीं देंगे लोग, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत बार टिप्पणियां की हैं किसानों के बारे में जो सम्मानजनक नहीं थी। ये हमारे शहीद किसान जो 100-700 किसान शहीद हुए हैं उनका अपमान है, किसान बिरादरी का अपमान है। ये किसान बिरादरी अपमान को सहन नहीं करेगी। हम ये कहना चाहते हैं उनको, कृषि मंत्री को, इसलिए विरोध स्वरूप उनका पुतला हमने यहाँ जलाया है और उनको हम ये आगाह करते हैं या तो अपनी अभद्र टिप्पणियों को लेकर के वो माफी मांगे, अन्यथा उनको किसान मजदूरों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। ये हम कहना चाहते हैं। आज हमने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कृषि मंत्री जेपी दलाल का विरोध स्वरूप यहाँ पुतला जलाया है, क्योंकि कृषि मंत्री ने लीलस गांव में जनता को संबोधित करते हुए किसानों के बारे में अभद्र टिप्पणियां की हैं। उनको बहुरुपिया, शराबी, चंदाखोर और जो है देशद्रोही बताया है। हम ये कहना चाहते हैं कि कृषि मंत्री को इस तरह के शब्द शोभा नहीं देते। उन्होंने कृषि मंत्री के पद की गरिमा को भारी ठेस पहुंचाई है, इसलिए हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो इसके लिए माफी मांगे, अन्यथा ये गांव गांव में विरोध जाएगा उनका और आने वाले टाइम में उनको यहाँ घुसने भी नहीं देंगे लोग, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत बार टिप्पणियां की हैं किसानों के बारे में जो सम्मानजनक नहीं थी। ये हमारे शहीद किसान जो 100-700 किसान शहीद हुए हैं उनका अपमान है, किसान बिरादरी का अपमान है। ये किसान बिरादरी अपमान को सहन नहीं करेगी। हम ये कहना चाहते हैं उनको, कृषि मंत्री को, इसलिए विरोध स्वरूप उनका पुतला हमने यहाँ जलाया है और उनको हम ये आगाह करते हैं या तो अपनी अभद्र टिप्पणियों को लेकर के वो माफी मांगे, अन्यथा उनको किसान मजदूरों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। ये हम कहना चाहते हैं। आज हमने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कृषि मंत्री जेपी दलाल का विरोध स्वरूप यहाँ पुतला जलाया है, क्योंकि कृषि मंत्री ने लीलस गांव में जनता को संबोधित करते हुए किसानों के बारे में अभद्र टिप्पणियां की हैं। उनको बहुरुपिया, शराबी, चंदाखोर और जो है देशद्रोही बताया है। हम ये कहना चाहते हैं कि कृषि मंत्री को इस तरह के शब्द शोभा नहीं देते। उन्होंने कृषि मंत्री के पद की गरिमा को भारी ठेस पहुंचाई है, इसलिए हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो इसके लिए माफी मांगे, अन्यथा ये गांव गांव में विरोध जाएगा उनका और आने वाले टाइम में उनको यहाँ घुसने भी नहीं देंगे लोग, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत बार टिप्पणियां की हैं किसानों के बारे में जो सम्मानजनक नहीं थी। ये हमारे शहीद किसान जो 100-700 किसान शहीद हुए हैं उनका अपमान है, किसान बिरादरी का अपमान है। ये किसान बिरादरी अपमान को सहन नहीं करेगी। हम ये कहना चाहते हैं उनको, कृषि मंत्री को, इसलिए विरोध स्वरूप उनका पुतला हमने यहाँ जलाया है और उनको हम ये आगाह करते हैं या तो अपनी अभद्र टिप्पणियों को लेकर के वो माफी मांगे, अन्यथा उनको किसान मजदूरों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। ये हम कहना चाहते हैं।